हेलो गाइस, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, इस मूवी का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। ये एक सुपर हीरो मूवी का कंप्लीट पैकेज है। इसके एक्शन से लेकर इसके VFX और इसकी कास्ट तक सभी कुछ ओवर द टॉप है। ये हमारी इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। कैसे उसके अंकल की डेथ होती है और कैसे वो अपने पेरेंट्स से अलग होता है और कैसे वो स्पाइडरमैन बनता है, ये सभी चीजें हम इस पार्ट में जानेंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पीटर का चाइल्डहुड दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ में हाइड एंड सीक खेल रहा था। तभी उसके फादर को ये फील होता है कि घर के अंदर कोई आया था। उसके फादर एक साइंटिस्ट थे। फिर वहां से उसके फादर कुछ अपने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर पीटर को अपने साथ में लेकर अंकल बेन के घर पर जाते हैं, जहाँ पर वो पीटर से कहते हैं हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, तब तक तुम्हें अपनी आंट में और अंकल बेन के साथ में रहना है। फिर पीटर कहता है मुझे भी आप लोगों के साथ में जाना है, पर उसके पेरेंट्स उसको यहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। और यही वो टाइम होता है जब पीटर अपने पेरेंट्स को लास्ट टाइम देखता है। फिर हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब पीटर बड़ा हो गया था और वो काफी अच्छा फोटोग्राफर होता है। वो स्कूल में था तभी उसके पास में वहाँ पर एक लड़की आती है। वो उससे कहती है कि पीटर तुम काफी अच्छी फोटो खींचते हो, तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड्स की कार की फोटोज खींचोगे, क्योंकि मुझे उन फोटोज को फ्रेम करवा के अपने बॉयफ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट देना है। अब ये सुनकर पीटर को थोड़ा तो दुख होता है, क्योंकि उसके स्कूल में कुछ ज्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। वो उससे कहता है कि मैं टाइम निकाल कर तुमको बता दूंगा। फिर जब पीटर स्कूल के बाहर आता है तो वो ग्वेन को एक बेंच पर बैठी देखता है। पीटर उसकी फोटो कैप्चर कर रहा था। पीटर की क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट जिसका नाम फ्लैश होता है, वो वहाँ पर एक स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा था। तभी पीटर वहाँ पहुंच जाता है और फ्लैश पीटर को फोटो कैप्चर करने के लिए कहता है, पर पीटर ना बोल देता है और कहता है कि इसको जाने दो, पर फ्लैश उसे नहीं छोड़ता। तभी पीटर उसे उल्लू कहकर बुलाता है और कहता है कि इसे नीचे छोड़ दो। ये सुनकर फ्लैश को काफी गुस्सा आ जाता है। बदले में फ्लैश पीटर को मारने लगता है। इन दोनों के बीच में तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है। ग्वेन फ्लैश से कहती है हमें जो लास्ट टाइम होमवर्क मिला था तुमने वो किया, क्योंकि इससे पहले वाले टेस्ट में हमें काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, वो भी तुम्हारी वजह से। इस बात पर फ्लैश उसे कुछ नहीं कहता, वो वहाँ से चला जाता है और इस तरह से ग्वेन पीटर को बचा लेती है। फिर यहाँ के बाद ये दोनों क्लास में मिलते हैं, जहाँ पर ग्वेन पीटर से कहती है तुम्हारी चोट काफी गहरी लगती है, स्कूल से जाने के बाद किसी डॉक्टर को दिखा देना। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, पर पीटर तो ग्वेन को पहले से ही जानता था, बस उसे ना जानने का यहाँ पर नाटक कर रहा था। जब पीटर घर पर आता है तो उसकी आंट में उससे पूछती है कि ये तुम्हें चोट कैसी लगी। पीटर कहता है मैं स्केटिंग करते वक्त स्केटिंग बोर्ड से गिर गया था। अंकल मैन उसे अपने साथ में बेसमेंट पे लेकर जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें चोट कैसी लगी होगी, तुम्हारी फाइट स्कूल में किसी के साथ में हुई होगी, मुझे बता देना अगर मुझे उस लड़के के पेरेंट्स से बात करनी होगी तो। पीटर कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेन पीटर से कहता है कि इसके बारे में अपनी आंट में को मत बताना, नहीं तो वो उसके पेरेंट्स के पास चली जाएगी। फिर पीटर को बेसमेंट से ही अपने पिता का एक बैग मिलता है। अंकल बेन उसे कहते हैं कि ये बैग तुम्हारे फादर ने तुम्हारी मॉम से खरीदा था, और तभी से ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मुझे तुम्हारे डैड ने इस बैग को संभाल के रखने के लिए कहा था। तब पीटर कहता है पर इस बैग में तो कुछ भी नहीं है, ये बैग खाली है। बेन यहाँ पर कहता है तुम्हारे फादर हर चीज को सीक्रेट रखा करते थे। पीटर को उस बैग से एक फोटो मिलती है, उसके फादर की फोटो थी, पर उस फोटो में उसके फादर के साथ में कोई और भी खड़ा होता है। वो बेन से पूछता है कि ये कौन है, तब तो बेन उसे ना बोल देता है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। पर जब पीटर अपने रूम में होता है तब कल बेन उसके पास में जाता है। वो उससे कहता है कि उस फोटो में जो तुम्हारे फादर के साथ में खड़ा है उसका नाम कर्ट कॉर्नर्स है, वो तुम्हारे फादर के साथ में काम किया करते थे और दोनों ही काफी क्लोज थे। ये बताने के बाद बेन पीटर से कहता है कि तुम्हारे कंप्यूटर पे जिस लड़की की फोटो है काफी ब्यूटीफुल है, उसके कंप्यूटर पे ग्वेन की फोटो थी। जब बेन यहाँ से जाने लगता है तब पीटर बेन से कहता है कि आप मेरे लिए मेरे डैड से भी बढ़कर हैं। इसके बाद पीटर कर्ट कॉर्नर्स को इंटरनेट पे सर्च करने लगता है, तभी उसको मालूम चलता है कि वो ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज में साइंटिस्ट है। पीटर फिर नेक्स्ट डे ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज में कर्ट कॉर्नर से मिलने के लिए जाता है, पर उसके पास में कोई आइडिया नहीं था वो कर्ट कॉर्नर से मिले कैसे। फिर उसको वहाँ पर पता चलता है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए आए हैं। वो उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का बैच उठाकर उस ग्रुप के पास आ जाता है जो इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर आए थे। तभी इस ग्रुप के पास में यहाँ पर ग्वेन आती है। वो इन स्टूडेंट से कहती है मैं एक मिड टर्म स्टूडेंट हूँ और साथ ही मैं डॉक्टर कर्ट कॉर्नर्स की असिस्टेंट भी हूँ। पीटर ग्वेन को देखकर यहाँ पर सरप्राइज हो जाता है और उसको देखकर छिपने लगता है। तभी इस ग्रुप से मिलने के लिए कर्ट कॉर्नर्स वहाँ पर आता है। वो अपने आप को सभी स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करता है, उसका राइट हैंड नहीं होता। वो इन सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है, कोई भी स्टूडेंट उसका आंसर नहीं दे पाता, पर पीटर उसका आंसर दे देता है। उसका आंसर सुन के कर्ट कॉर्नर सरप्राइज थे। पीटर को यहाँ पर देखकर ग्वेन भी सरप्राइज हो जाती है। तब कर्ट कॉर्नर उससे उसका नाम पूछते हैं। तब ग्वेन कहती है इसका नाम पीटर पार्कर है और ये अपनी क्लास में सेकंड आता है। ग्वेन भी उसकी क्लास में थी और वो हमेशा फर्स्ट आती है। इसके बाद कर्ट कॉर्नर यहाँ से चला जाता है। फिर बाद में ग्वेन पीटर से मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे। पीटर उसको यहाँ पर ये तो नहीं बताता कि मैं कर्ट कॉर्नर से मिलने के लिए आया हूँ, बल्कि वो उससे कहता है कि मुझे साइंस काफी पसंद है और मैं साइंस के लिए यहाँ पर आया हूँ, मुझे बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं था कि तुम यहाँ पर काम करती हो। तब ग्वेन कहती है कि इस ग्रुप की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तुम इसी ग्रुप के साथ में रहना, कहीं पर भी मत जाना और अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो मेरी जॉब भी जा सकती है। इसके बाद पीटर वहीं पर इरफान खान से टकरा जाता है। वो उसको फॉलो करता है और उसको फॉलो करते हुए एक लैब में पहुंच जाता है। वो वहां पर एक मशीन में काफी सारे स्पाइडर्स देखता है। तभी उस मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वहां पर सारे स्पाइडर्स उसके ऊपर गिरने लगते हैं। वो उस लैब से बाहर आ जाता है। वो जब वो बाहर आता है तब ग्वेन उसको देख लेती है। वो उसको यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। तभी उन सभी स्पाइडर में से एक स्पाइडर उसकी जैकेट पर ही रह जाता है।
जाता है और वो उसकी गर्दन पर बाइट कर लेता है। इसके बाद जब पीटर सबवे मेट्रो से जा रहा होता है तब उसके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तभी उसकी मेट्रो में कुछ लड़कों से फाइट होने लगती है। वो उन सभी से अनएक्सेप्टेड वे में फाइट करने लगता है। उसके भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। इसके बाद जब पीटर घर पर आता है तो वो अपनी टी शर्ट के अंदर से एक स्पाइडर को निकालता है। फिर नेक्स्ट डे से तो जैसे पीटर के अंदर पावर्स आ गई थी। वो अपने रूम में हर चीज को काफी स्मूथ वे में कर रहा था पर उससे रूम की काफी सारी चीजें टूटने लगती है। इसके बाद तो पीटर को हवा की भी आवाज आने लगी थी। वो स्पाइडर बाइट के बारे में नेट पर सर्च करने लगता है। उसे नेट पर तो कुछ नहीं मिलता पर वो टाइप करते करते अपने कीबोर्ड की कीज को ही तोड़ देता है। इसके बाद पीटर डॉक्टर कर्ट कॉर्नर से उसके घर पर मिलने के लिए जाता है। फिर कर्ट उससे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मुझे मिलने के लिए तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए थी और मैं अपने घर पर किसी से नहीं मिलता। तभी पीटर उससे कहता है कि मैं रिचर्ड पार्कर का बेटा हूँ। ये सुनकर कर्ट उसे अंदर बुला लेता है। फिर पीटर उससे कहता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है और क्या क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स पॉसिबल है। फिर कर्ट उससे कहता है कि हाँ ये पॉसिबल है और इसी चीज को लेकर सभी लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। इवन ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के साइंटिस्ट भी सभी लोग हमें मैड साइंटिस्ट कहते थे। और इसके बाद भी तुम्हारे फादर ने स्पाइडर्स को बनाया और उन सभी का रिजल्ट काफी एक्सीलेंट था। हम काफी लोगों की लाइफ बदलने वाले थे, इवन मेरी भी लाइफ बदल जाती। फिर अचानक से वो कहीं पर चले गए और उनके बिना मैं कर ही नहीं पाया। मैं काफी गुस्से में था इसीलिए मैं तुम्हारी फैमिली और तुमसे दूर रहा, इसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। तब पीटर कहता है कि अगर तुम इस रिसर्च में कामयाब हो जाते हो तब इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। कर्ट कहता है कि जिन लोगों पर भी हमने रिसर्च की है वो लोग जिंदा ही नहीं बचे हैं। पीटर एक इक्वेशन को सॉल्व कर देता है। तब कर्ट कहता है कि तुम इस रिजल्ट तक कैसे पहुंचे। कर्ट उससे इम्प्रेस होकर उसे अपनी लैब में बुलाता है। वो अपने राइट हैंड को सही करना चाहता था। इसके बाद पीटर स्कूल में फ्लैश से फाइट कर लेता है, जिसे होता यह है कि स्कूल के प्रिंसिपल उसके अंकल बेन को स्कूल में बुला लेते हैं। फिर बेन पीटर से कहता है कि क्या तुमने उस लड़के की बेइज्जती की। पीटर हाँ बोलता है। फिर बेन कहता है कि क्या ये वही लड़का है जिसने तुम्हारी पिटाई की थी। पीटर हाँ बोलता है और कहता है कि वो इसी के लायक था। बेन उससे कहता है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे अपनी शिफ्ट चेंज करनी पड़ी है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, तुम अपनी आंट मे को रात को 9 बजे उसे अपने ऑफिस से लेने के लिए जाओगे। तभी बेन ग्वेन को स्कूल में देख लेता है और कहता है कि इसे मैंने कहीं देखा है। फिर कहता है ये तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है ना, और बेन ये बात ग्वेन को भी बता देता है। ये बोलकर बेन यहाँ से चला जाता है। तभी पीटर ग्वेन से कहता है मेरे अंकल है, ये मजाक बहुत करते हैं। ग्वेन कहती है मेरी फोटो तुम्हारे कंप्यूटर पर क्या कर रही है। तभी पीटर कहता है कि तुम्हारी फोटो मैंने तुम्हारे ग्रुप के साथ मिली थी और मैं बस उस फोटो को जरा सा टचअप दे रहा था, तभी अंकल बेन ने तुम्हें उस फोटो में देख लिया। ये दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे में काफी इंटरेस्ट ले रहे थे। पीटर उसे बाहर ले जाने के बारे में पूछता है और ग्वेन भी उसको हाँ बोल देती है। इसके बाद पीटर कर्टिस से उसके लैब में मिलने के लिए जाता है। वो कर्टिस की काफी हेल्प कर रहा था। तभी अंकल बेन का फोन उसके पास आता है। कर्टिस उसे कहता है कि अगर इम्पोर्टेंट कॉल है तो पिक कर लो। पीटर ना बोलता है और कॉल कट कर देता है। पीटर कर्टिस के फॉर्मूला बनाने में हेल्प करता है और वो उसको बना भी देता है। इसके बाद जब पीटर घर पर आता है तब उसके अंकल बेन उससे काफी नाराज होते हैं। बेन उससे कहता है कि तुम्हें आज अपनी आंट मे को उसके ऑफिस से लेने के लिए जाना था और वो अपने ऑफिस से यहाँ तक अकेली आई है, वो भी इतनी रात को। वो पीटर को काफी डांटता है। वो अपनी आंट मे को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं किसी काम में फंस गया था। उसकी आंट मे उससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं चल भी सकती हूँ। बेन कहता है कि तुम इसकी साइड लेना बंद करो। पीटर काफी गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाता है। बेन उसके पीछे पीछे उसको ढूंढने के लिए जाते हैं। इसके बाद पीटर एक शॉप में होता है जहाँ पर वो कुछ सामान परचेज करता है और उसके पास में पैसे कम पड़ रहे थे। वो शॉप वाला पीटर से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तुम ये सामान नहीं ले सकते, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तभी शॉप के अंदर एक रोबलर आ जाता है। वो शॉप वाले के सारे पैसे लेकर जाने लगता है। शॉप वाला पीटर से कहता है कि मेरी मदद करो उसे पकड़ने में। पीटर भी यही कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। पीटर को ढूंढते हुए बेन भी वहां पर पहुंच जाता है, उस रोबलर को पकड़ लेता है। बदले में रोबलर बेन को गोली मार देता है। पीटर जैसे ही गन का साउंड सुनता है वो उस आदमी के पास में जाता है। वो देखता है ये और कोई नहीं बल्कि अंकल बेन ही है। पीटर यहाँ पर रोने लगता है पर बेन की डेथ वहीं पर हो जाती है। पीटर काफी रिग्रेट फील कर रहा था, वो सोच रहा था कि वो उस रात को बाहर ही क्यों गया। इधर स्कूल में भी सब स्टूडेंट को पता लग जाता है। तभी फ्लैश पीटर के पास आता है। पीटर तो गुस्से में था ही, वो फ्लैश को पकड़कर ऊपर उठा लेता है। फ्लैश उससे कहता है मुझे समझने की कोशिश करो, जो तुम्हारे अंकल बेन के साथ में हुआ है मुझे उसका काफी अफसोस है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें बेटर फील कराने के लिए आया था। पीटर रोने लगता है, वो यहाँ से जाने लगता है। फिर उसे रास्ते में ग्वेन मिलती है, वो पीटर को हग कर लेती है पर पीटर उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। फिर पीटर रात में उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसने उसके अंकल बेन को मारा था पर वो उसे नहीं मिलता। इसी बीच में वो अपना मास्क और अपने स्पाइडर वेब को बना लेता है। पीटर अपने स्पाइडर वेब को टेस्ट करता है, वो एक ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। उसका स्पाइडर वेब काम कर रहा था। अब पीटर सिटी में होने वाले क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने लगा था और वो अपने अंकल बेन के मर्डर को भी ढूंढ रहा था। सिटी में बहुत से क्राइम कंट्रोल होने लगे थे, सभी लोग पीटर को हीरो मानने लगते हैं पर ये सिटी पुलिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो पुलिस का काम कर रहा है। पीटर अपनी स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम क्रिएट कर लेता है। अब पीटर क्रिमिनल को पकड़कर पुलिस की हेल्प करने लगता है पर पुलिस उसी को पकड़ने की कोशिश करती है। जब पीटर घर पर आता है तब उसकी आंटी में उससे पूछती है कि तुम्हारी डेली ये हरकत कौन करता है, तुम जब भी घर पर आते हो मुझे तुम्हारे फेस पे ये निशान देखकर तुम्हारी फिक्र होती है। तब पीटर कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। आंटी कहती है कि मैं कैसे सोऊं, तुम्हारी ये कंडीशन सोचकर मुझे नींद ही नहीं आती है। पीटर ये सारी
सारी बातें सुनकर यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे पीटर स्कूल में ग्वेन से मिलता है। वो उसे पूछती है, तुम्हारे फेस पर ये दाग कैसा है, कहीं है किसी के पीटने का निशान तो नहीं है। पीटर उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्वेन उसे अपने घर पर डिनर पर इन्वाइट करती है। पीटर उससे कहता है, मैं 8 बजे तुम्हारे घर पर पहुंच जाऊंगा। और इधर डॉक्टर कर्टिस वो इंजेक्शन जो कि पीटर की हेल्प से उन्होंने बनाया था वो इंजेक्शन अपने ऊपर यूज कर लेता है। फिर पीटर रात को 8 बजे ग्वेन के घर पर उसकी विंडो से पहुंच जाता है। ग्वेन उसे पूछती है, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे। पीटर उससे कहता है कि मैं पीछे वाली सीढ़ियों से चढ़कर आया हूँ। ग्वेन कहती है कि तुम 20 मंजिल चढ़कर आए हो। पीटर कहता है, तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और तुम्हारा रूम काफी सुंदर है। वो ग्वेन के लिए फ्लावर्स लेकर आता है जो कि ग्वेन को भी काफी पसंद आते हैं। तभी ग्वेन के फादर रूम में आ जाते हैं। वो सिटी पुलिस के हेड होते हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो जिस स्पाइडरमैन को ढूंढ रहे हैं वो पीटर ही है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। इधर कर्टिस देखता है कि उसका दूसरा हाथ ठीक हो गया है। कर्टिस के अंदर उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट होने लगता है। वो टैक्सी करके इरफान खान के पास जाने लगते हैं जो कि ब्रिज से होते हुए अपने दूसरे हॉस्पिटल जा रहे थे। ग्वेन का छोटा भाई जोर से कहता है कि क्या तुमने स्पाइडरमैन को पकड़ा। जॉर्ज कहता है, वो एमएचओर है जो कि स्पाइडर के कपड़े पहनकर शहर में खुलेआम घूम रहा है, हम उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। वो हमारी हेल्प तो कर रहा है पर वो भी तो एक क्रिमिनल ही है। पीटर अपने ही बचाव में जोर से कहता है, वो तो बस पुलिस की हेल्प कर रहा है, वो उन क्रिमिनल को पकड़ रहा है जो कि सिटी में क्राइम्स को बढ़ाते हैं। तब जॉर्ज कहता है कि अगर मैं उन क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहूँ तो मैं पकड़ सकता हूँ। पीटर कहता है, तो फिर पकड़ा क्यों नहीं। तब जॉर्ज कहता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, जो भी क्रिमिनल स्पाइडरमैन ने पकड़े हैं वो क्रिमिनल समय उनके गैंग मेंबर तक पहुंचाते, पर उन तक पहुंचने से पहले स्पाइडरमैन उन क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है। तब पीटर कहता है, आपके प्लान के बारे में स्पाइडरमैन को पता नहीं होगा। इन दोनों में यहाँ पर बहस होने लगती है। ग्वेन पीटर को यहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। ये दोनों टेरिस पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। पीटर कहता है, पल भर के लिए तो मुझे लग रहा था कि जैसे वो मुझे अरेस्ट कर लेंगे। ग्वेन कहती है, मेरे होते हुए तुम्हारे साथ ऐसा कर ही नहीं सकते। पीटर उससे कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो उसे कहना चाहता था कि वही स्पाइडरमैन है पर वो उसे बोल नहीं पा रहा था। ग्वेन सोच रही थी कि वो उसे प्रपोज करने वाला है पर पीटर चाहते हुए भी उसको बोल नहीं पा रहा था। जैसे उसके वर्ड उसके गले तक आते आते मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। तभी ग्वेन यहाँ से जाने लगती है। पीटर अपने स्पाइडर वेब का यूज करके उसे अपनी तरफ खींच लेता है जिससे अब ग्वेन को भी पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर उसको किस करने लगता है। ग्वेन की मोम यहाँ पर आ जाती है। इन दोनों को किस करते हुए वो देख लेती है। वो ग्वेन से कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं। तभी पीटर को कुछ गाड़ियों की शोर की आवाज सुनाई देती है। वो बिल्डिंग से कूद जाता है। ग्वेन ये देखकर कहती है, मैं पीटर और अपने फादर के बीच में फंस चुकी हूँ। इधर डॉक्टर कर्टिस सब पूरी तरह से लिजर्ड में बदल गए थे। वो ब्रिज के ऊपर इरफान खान की गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है। कर्टिस कुछ गाड़ियों को ब्रिज से नीचे फेंक देता है पर पीटर उनसे भी गाड़ियों को अपने स्पाइडर वेब के जरिए बचा लेता है। तभी ब्रिज पर एक आदमी पीटर से कहता है कि उसकी गाड़ी में उसका बेटा है, उसको बचाओ। कर्टिस इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भाग जाता है। पीटर उस लड़के को बचा लेता है। उस लड़के का फादर पीटर से पूछता है कि तुम कौन हो। पीटर कहता है, मैं स्पाइडरमैन हूँ, ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर कर्टिस अपनी ह्यूमन वाली फॉर्म में आ जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उस इंजेक्शन का असर कर्टिस के ऊपर कुछ ही टाइम तक रहता है। और इधर जॉर्ज ब्रिज पर हुए हादसे के बारे में पीटर को ही जिम्मेदार ठहराता है। वो पब्लिकली ये कहता है कि हमने स्पाइडरमैन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। इधर पीटर उस स्पाइडर को ग्वेन को दिखाता है जिसने उसे बाइट किया था। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे बारे में और कौन जानता है। पीटर कहता है, सिर्फ तुम ही मेरे बारे में जानती हो। पीटर उससे पूछता है कि तुम्हें पुलिस वालों की बातों पर यकीन तो नहीं है ना। ग्वेन उससे कहती है, बिल्कुल भी नहीं। वो उससे पूछती है, जिसने ब्रिज पर हमला किया था वो कैसा दिखता था। पीटर उससे कहता है, वो काफी बड़ा और एक लिजर्ड जैसा दिखता था। ग्वेन उससे कहती है कि इन सब से तुम दूर ही रहो। पीटर कहता है कि मैं चाहकर भी नहीं रह सकता, उसने ब्रिज पर जो कुछ भी किया उसमें लोगों की जान भी जा सकती थी और मुझे उसे खत्म करना ही होगा। ग्वेन उससे कहती है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पुलिस का काम है। पीटर उससे कहता है कि हो भी सकता है और कहता है, मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिता के काफी अच्छा लगा। पीटर इसके बाद यहाँ से कर्टिस से मिलने के लिए उसकी लैब में जाता है। जब वो कर्टिस से मिलता है तो कर्टिस कहता है कि तुमको नहीं पता कि मैंने सबको 1 वीक का ऑफ दे रखा है। पीटर कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। वो कर्टिस से रेप्टाइल के बारे में पूछता है, कोल्ड ब्लड वाले रेप्टाइल को कैसे खत्म किया जा सकता है। फिर कर्टिस कहता है, तुम्हें ये जानने के लिए उनमें से एक रेप्टाइल को पकड़ना होगा और तुम्हें अचानक से लिजर्ड में इतनी दिलचस्पी कैसे होने लगी। पीटर कहता है, मुझे कॉलेज में बायोलॉजी प्रोजेक्ट मिला है। कर्टिस कहता है, माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जल्दी ही जाना होगा। पीटर को यहाँ पर कर्टिस के ऊपर शक होने लगता है। जब कर्टिस यहाँ से चला जाता है जिस पर कर्टिस और पीटर ने उस इंजेक्शन का यूज किया था, अब पीटर का शक यकीन में बदल गया था। वो लिजर्ड जो सिटी में घूम रहा है वो और कोई नहीं डॉक्टर कर्टिस ही है। वो तुरंत ही जॉर्ज के पास पुलिस स्टेशन आता है। वो जॉर्ज को समझाने की कोशिश करता है कि जो रेप्टाइल ब्रिज पर आया था वो और कोई नहीं डॉक्टर कर्टिस ही है, पर जॉर्ज उसकी बातों का बिलीव ही नहीं कर रहा था। वो कह रहा था, जिस डॉक्टर ने मेरी बेटी को अपने ऑफिस में असिस्टेंट रखा और आगे भी उसी कॉलेज में हेल्प करने वाला है, तुम मुझे उसी को अरेस्ट करने के लिए कह रहे हो और कह रहे हो कि वो एक रेप्टाइल में बदल कर सिटी में ऐसे घूम रहे हैं। तब पीटर कहता है, वो खुद पर एक टेस्ट करके वो लिजर्ड में बदल गए हैं। जॉर्ज उससे कहता है कि क्या मैं शक्ल से तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहा हूँ। फिर पीटर कहता है, मैं तुम्हें पूरी रियलिटी बताता हूँ। वो क्रॉस स्पीसीज जेनेटिक्स पर काम कर रहे थे, अपने कटे हाथ को फिर से लाना चाहते थे, जिसके लिए वो एक लिजर्ड के डीएनए का यूज कर रहे थे, पर सीरम में गड़बड़ होने की वजह से वो खुद
एक लिजर्ड में बदल गए। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और पूरी सिटी को उनसे खतरा है। जॉर्ज पीटर की सारी बातें सुनकर उसे पुलिस स्टेशन से जाने के लिए कहता है, पर जॉर्ज को भी कहीं ना कहीं कर्टिस के ऊपर शक होने लगा था। वो कर्टिस के ऊपर भी अपनी रिसर्च स्टार्ट कर देता है। पीटर फिर खुद ही कर्टिस को पकड़ने की सोचता है। वो अंडरग्राउंड टनल में जाता है। वो सोच रहा था कि वो उसकी फोटो कैप्चर करेगा और जॉर्ज को दिखाएगा। फिर टनल के अंदर ही कर्टिस में और पीटर में फाइट होने लगती है। पीटर उससे फाइट में हार जाता है और वहां से चला जाता है। पर उसका कैमरा वहीं पर छूट गया था और उस कैमरे के ऊपर पीटर पार्कर का नाम लिखा हुआ था। कर्टिस ये देख लेता है। पीटर यहाँ से ग्वेन के पास जाता है। ग्वेन उसकी कंडीशन देखकर शॉक हो जाती है। पीटर उससे कहता है, मुझसे ज्यादा उसकी हालत खराब होगी। ग्वेन यहाँ पर पीटर को बेटर फील कराने की कोशिश करती है। पीटर उसे बता देता है कि जो लिजर्ट सिटी में घूम रही है वो और कोई नहीं डॉक्टर कर्टिस ही है। जिस फॉर्मूले की वजह से वो लिजर्ट में बदले हैं वो फॉर्मूला मैंने ही उन्हें दिया था और अब ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको ठीक करूँ। और अब मैं समझ गया हूँ कि मेरे फादर ने इस फॉर्मूले को राज क्यों रखा था। इधर कर्टिस तो जैसे पागल ही हो गया था। वो पूरी सिटी को लिजर्ट में बदल देना चाहता था। कर्टिस सीधा पीटर के स्कूल में जाता है। स्कूल के सभी स्टूडेंट उसको देखकर भागने लगते हैं। कर्टिस में और पीटर में स्कूल में ही फाइट होने लगती है। कर्टिस पीटर से कहता है कि मैं डिसेबल्ड पर्सन को ठीक कर सकता हूँ, मुझे उनका इलाज करने दो। पर पीटर कहता है कि ये गलत है, इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। और इसी फाइट के बीच में हमें स्टैनली का एक कैमियो भी दिखाया जाता है। स्टैनली वही पर्सन है जिसने मार्वल की सभी कॉमिक्स और स्पाइडरमैन को क्रिएट किया है। कर्टिस यहाँ से जाने लगता है पर पीटर उसका पीछा करता है। वो उसका पीछा करते हुए सीवर में पहुंच जाता है। तभी ग्वेन उसके पास कॉल करती है। पीटर उससे कहता है कि जिस सीरम का उन्होंने यूज किया, अगर हमें उसका एंटीट्यूड मिल जाए तो हम उनको ठीक कर सकते हैं। वो उसे पूछता है कि क्या तुम सीरम बनाना जानती हो। ग्वेन कहती है कि हमें बनाना जानती हूँ, मैं हमेशा ये डॉक्टर कर्टिस के लिए बनाया करती थी। पीटर उससे कहता है, तुम ऑस्कॉर्प जाओ और वो सीरम बनाओ, मैं वहीं पर तुम्हें मिलता हूँ। और इधर जॉर्ज उस लिजर्ड को पकड़ने के लिए जाते हैं। कर्टिस जब एक बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तब वहाँ पर सभी पुलिस वालों के ऊपर अटैक कर देते हैं। बदले में कर्टिस वो लिजर्ड वाला सीरम इन सभी पुलिस वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, जिससे सभी पुलिस ऑफिसर धीरे धीरे लिजर्ड में बदलने लगते हैं। पीटर ग्वेन के पास में कॉल कर कहता है कि तुम कहाँ पर हो। ग्वेन उससे कहती है कि मैं अभी भी ऑस्कॉर्प में ही हूँ। पीटर उससे कहता है कि तुम्हें जल्दी वहाँ से निकलना होगा, कर्टिस वहाँ पर आ रहा है। उसे वो मशीन चाहिए जिसके जरिए वो पूरी सिटी में वो सीरम को फैला सके, जिससे पूरी सिटी लिजर्ड में बदल जाएगी। ग्वेन कहती है, पर एंटीट्यूड बनने में भी 8 मिनट लगेंगे। पीटर उससे कहता है, कोई बात नहीं, तुम वहाँ से निकल जाओ और जितनी जल्दी हो सके पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दो। ग्वेन कॉल कट कर देती है। वो पूरी बिल्डिंग को खाली करवा देती है। पीटर भी ऑस्कॉर्प इंडस्ट्री जा रहा होता है। तभी जॉर्ज उसको देख लेता है और उसको सरेंडर करने के लिए कहता है। पुलिस पीटर को पकड़ लेती है। जॉर्ज भी वहाँ पर पहुंच जाता है और जॉर्ज जब पीटर का मास्क उतारता है तो वो देख लेता है कि और कोई नहीं बल्कि पीटर ही है। पीटर जॉर्ज से कहता है कि कर्टिस ऑस्कॉर्प की तरफ जा रहा है और ग्वेन अभी ऑस्कॉर्प में ही है, मुझे जाने दो और डॉक्टर कर्टिस को रोकने दो। जॉर्ज उसे जाने देता है पर एक पुलिस ऑफिसर उसके पैर पर गोली मार देता है। और इधर कर्टिस वो मशीन लेने के लिए ऑस्कॉर्प पहुंच जाता है। ग्वेन उस वक्त बिल्डिंग में ही थी, वो उस मशीन को लेकर छिप जाती है। कर्टिस उसे ढूंढ लेता है और उस मशीन को लेकर जाने लगता है। वो ग्वेन को यहाँ पर कुछ भी नहीं कहता। इधर पीटर ऑस्कॉर्प से काफी दूर होता है, पैर में गोली लगने की वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा था। तभी हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसके बेटे को ब्रिज पर पीटर ने बचाया था। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की क्रेन में काम किया करता था। वो सभी क्रेन के फेस को पीटर के रास्ते में कर देता है, जिससे कि पीटर को ऑस्कॉर्प में पहुंचने में आसानी हो। और होता भी ऐसा ही है, वो उन क्रेन की हेल्प से काफी जल्दी ऑस्कॉर्प पहुंच जाता है। ग्वेन वो एंटीट्यूड लेकर बिल्डिंग के बाहर आ जाती है। तभी जॉर्ज भी वहां पर पहुंच जाता है। ग्वेन जॉर्ज से कहती है, मुझे एंटीट्यूड स्पाइडरमैन को देना होगा, इसी के जरिए वो कर्टिस को रोक सकता है। जॉर्ज कहता है कि मैं जानता हूँ उस मास्क के पीछे और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर है, ये एंटीट्यूड मुझे दो, मैं उसके पास लेकर जाता हूँ। ग्वेन जॉर्ज से कहती है, उसका ख्याल रखेगा। इधर कर्टिस और पीटर में फाइट हो रही थी। तभी जॉर्ज भी यहाँ पर पहुंच जाता है। जॉर्ज कर्टिस के ऊपर फायर करने लगता है। जॉर्ज वो एंटीट्यूड पीटर को दे देता है। पीटर उस मशीन को बंद करने के लिए चला जाता है। इसी बीच में कर्टिस जॉर्ज को मार देता है। पीटर उस एंटीट्यूड को उस मशीन में फिट कर देता है, जिससे पूरी सिटी के ऊपर एक ब्लास्ट होता है। इस एंटीट्यूड की वजह से कर्टिस सही हो जाता है। पीटर बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था और कर्टिस ही उसे नीचे गिरने से बचाता है। वो पीटर को जॉर्ज के बारे में बताता है। जब पीटर जॉर्ज के पास पहुंचता है तब वो जिंदा था। वो पीटर से कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, सिटी को तुम्हारी जरूरत है। एक सुपर हीरो के कई दुश्मन बनते हैं, लोगों के दिल टूटते हैं और कभी कभी अपनों के भी, इसीलिए तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम ग्वेन की लाइफ से दूर चले जाओ, मुझसे ये प्रॉमिस करो। पीटर हाँ बोल देता है और जॉर्ज की डेथ यहीं पर हो जाती है। वो सभी पुलिस ऑफिसर भी सही हो जाते हैं जिनको कर्टिस ने लिजर्ड बनाया था। जब पीटर घर पर आता है तब वो अपनी आंट मे को हक करके रोने लगता है। इसके बाद जॉर्ज का फ्यूनरल होता है। पीटर उस फ्यूनरल में नहीं जाता, वो चर्च के ऊपर से ग्वेन को देख रहा था। फ्यूनरल के बाद ग्वेन पीटर के घर पर आती है। वो उससे कहती है कि तुम कहाँ पर गायब हो गए थे। मेरे फादर गुजर गए, उनका आज फ्यूनरल था। पीटर ग्वेन की बातों को सुनना था पर उसका आंसर नहीं दे रहा था। फ्यूनरल में स्कूल के सभी टीचर्स आए थे, इवन फ्लैश भी फ्यूनरल में आया था। सभी वहाँ पर मौजूद थे, बस तुम ही वहाँ पर नहीं थे। ग्वेन रो रही होती है। उसको देखकर पीटर भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं मिल सकता। वो उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। ग्वेन उससे कहती है, ये सब तुम क्या बोल रहे हो। जाते जाते ग्वेन पीटर से कहती है, तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुमने मेरे फादर से प्रॉमिस किया है कि तुम उससे दूरी रहोगे ताकि मैं
सेफ रहो। पीटर शांति रहता है। पीटर घर के अंदर आ जाता है। आंट में उससे कहती है कि कितनी खूबसूरत लड़की है ना। पीटर कहता है अंकल बेन में यही कहा करते थे। आंट में कहती है कि उसे कहीं पर बाहर घुमाने क्यों नहीं लेकर जाते। पीटर कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूँ। तब आंट में उससे कहती है कि तुम्हारे अंदर एक ही खूबी है कि तुम अच्छे आदमी हो, और अगर किसी को इस बात से प्रॉब्लम होती है तो उससे मुझे मिलवाना। पीटर जब स्कूल में होता है तब ग्वेन भी उसको इग्नोर करने लगती है। जब ये दोनों क्लास में होते हैं पीटर ग्वेन के पीछे ही बैठा होता है। वो कहता है कि प्रोमिसेस हमेशा तोड़ने के लिए किए जाते हैं। इसके पोस्ट क्रेडिट वाले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर कर्टिस को जेल हो जाती है और इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। इसका सेकंड पार्ट भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। आपको ये मूवी कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, जाने से पहले एक और बात, अगर आपको आफ्टर और 365 डेज फिल्म सीरीज देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि वो आपको कैसी लगी। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।